समझदार बहू, मंत्र बोलने वाली सास। एक गांव में काव्या और कलावती नाम की सास बहू रहते थे। कलावती से गांव में सभी लोग डरते। वो मंत्र पढ़ती है, शूद्र पूजा करती है, इसलिए सभी लोग डरते थे। उसके सामने चलने से भी लोगों की रूह कांप उठती। वो एक जगह हो तो वहाँ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। काव्या को अपनी सास के बारे में कुछ नहीं पता था। नई नवेली दुल्हन के रूप में उस घर में आती है, इसलिए सभी के साथ अच्छे से रहती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन काव्या सब्जियां खरीदने के लिए बाहर आती है। काव्या को रोड पर देखने वाले सभी लोग आश्चर्य होकर देख रहे थे। उन सबको देखते हुए काव्या आगे जाते हुए, क्या हुआ इन सबको, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे सोचकर उलझन में आश्चर्य होकर आगे जा रही थी। सब्जियों के यहाँ आकर, ये टमाटर कैसे किलो? तुम वो कलावती की बहू हो? हाँ। ऐसे बोलते ही वो डरते हुए, पैसों की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, ऐसे कहती है। उस बात पर काव्या आश्चर्य होकर, ऐसे ही क्यों जी, ऐसे नहीं लूंगी, पैसे लीजिए। नहीं, तुम्हारी सास को गुस्सा आया तो ना मैं बचूंगी ना दुकान, ऐसे कहती है काव्या फिर से शौक। मेरी सास को गुस्सा क्यों आएगा? क्या पता, ऐसे ही नहीं चाहिए, कितने हुए बताइए? ऐसे कहती है वो जरूरत की सारी सब्जियां लेकर मना करने के बावजूद उसे पैसे देती है। वो पैसे लेकर, देखने पर अच्छी इंसान लग रही हो, अपनी सास से बचकर रहना, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर काव्या फिर से शौक। काव्या को खुद समझ नहीं आता, ऐसे क्यों कह रही है और क्या है? आते वक्त भी सभी लोग रास्ते में मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे, यहाँ आप भी, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आप मेरी सास से बच के रहना कह रही हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, मेरी सास से मेरी क्या तुलना? ऐसे पूछ रही थी कि वो सब्जी बेचने वाली औरत थोड़ी सी सांस लेकर छोड़ कर, वो बड़ी कहानी है, मैंने बताया ही, अपनी सास को नहीं बताओगी तो ही बताऊंगी। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बोलिए। वो अमावस की रात थी, ऐसे शुरू करके कहानी बता रही थी। आसपास अंधेरा, दूर से धुआं, लोमड़ी की चीख, गांव में चारपाई पर सोया हुआ आदमी आधी रात को पानी के लिए उठकर पानी पीते हुए दूर देखता है। कलावती अंधेरे में चलते हुए उस गांव के शमशान की तरफ जा रही थी। वो देख कर वो शौक, कलावती उस शमशान में जाकर एक समाधि की तरफ बहुत देर घूमकर जैसे अंदर गई थी वैसे ही बाहर आकर घर जाती है। ये सब देखकर उसने सुबह होते ही गांव में सबको बता दिया। आधी रात को वो कलावती शमशान में घूम रही थी, देखने पर वह तांत्रिक बाबा जैसे लग रही है, उससे जरा बचकर रहना, ऐसे सबको बताता है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। यकीन नहीं तो फिर आज रात को तुम्हें लोग देख लेना, ऐसे कहा। सारा गांव ठीक है कहकर आधी रात को सभी लोग मिलकर खिड़की के पीछे से, दीवारों के पीछे से उसे देख रहे थे। आधी रात को फिर से कलावती गांव की गलियों में घूमते हुए शमशान में गई थी और तब से गांव के सभी लोग शौक। ऐसे वो सब्जी बेचने वाली औरत काव्या को सब बताती है। तुम्हारी सास तांत्रिक है, हर रोज आधी रात को शमशान में शूद्र पूजा करती है। आपने उन्हें देखा क्या शूद्र पूजा करते हुए? आधी रात को उन्हें देखते ही धड़कन थम सी गई, और अगर शूद्र पूजा करते हुए देखते तो मर ही जाते हम। जरा ध्यान से रहना बेटा, तुम जाओ, ऐसे बोलकर वहाँ से भेज देती है। वो सब्जियाँ लेकर घर आई काव्या सास के बारे में ही सोच रही थी। हर दिन इतने अच्छे से बात करने वाली मेरी सास इतनी बड़ी तांत्रिक है, मुझे तो शक भी नहीं हुआ। ये शमशान में कौन सी पूजा करती होगी, आज रात को देखना होगा। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार उस दिन रात को बिना सोए सासू माँ कब बाहर जाएगी इस इंतजार में थी। आधी रात होती है, सासू माँ के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हाँ, जा रही है शायद, उनका ही पीछा करूँगी मैं, ऐसे बोलकर वो भी अपने सास के पीछे ही जा रही थी। ये इस वक्त सचमुच शमशान जाएंगी क्या? ऐसे बोलकर उनके पीछे ही चल रही थी। ऐसे सोचकर उसी रास्ते पर खड़ी थी। कलावती गांव की गलियों में चल रही थी
हर तरफ अंधेरा, कुत्ते के रोने की आवाज, दूर से लोमड़ी की आवाज। कलावती बहुत ही हिम्मत से आगे जा रही थी। आसपास मुड़कर देखे बिना ऐसे सीधे जा रही थी। उसके पीछे ही काव्या भी जा रही थी। कलावती ऐसे चलते चलते शमशान आती है। उस शमशान में चल रही थी कि उसके सामने एक समाधि आकर, वो समाधि उसे लगते ही जैसे आगे जा रही थी वैसे ही पीछे मुड़कर जाती है। वो देखकर काव्या शॉक। मेरी सास को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं ना? या ये सच में यहाँ मंत्र पढ़ने के लिए आई है? ऐसे सोचकर उसी रास्ते पर खड़ी थी। कलावती ऐसे चलते चलते काव्या के सामने आती है। काव्या कलावती को हाथ लगाकर हिला रही थी। कलावती वो सब नजरअंदाज करके आगे चल रही थी। वो देखकर काव्या हंसते हुए, नींद में चलकर शमशान जा रही थी तो गांव के सभी लोग मेरी सास मंत्र पढ़ती है, बड़ी तांत्रिक है, ये सोच रहे हैं। अगर ये बात मेरी सासू माँ को पता चल गई तो बहुत हंसेंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से घर आती है। सुबह होते ही सास को कॉफी देते हुए, सासू माँ आपको नींद में चलने की बीमारी है क्या? हाँ बेटा, पता चले बिना ही उठकर मैं तो चलती रहती हूँ। तुम्हारे ससुर जी थे तब वो देखते थे, वो नहीं है ना, अब कहाँ जाती हूँ क्या पता। मैं बताऊँ? तुम्हें पता है तो बताओ। कब्रिस्तान में। हाँ? हे, क्या कब्रिस्तान? बाप रे, मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। आपसे सारा गांव डरता है। ये क्या, आपको आधी रात को किसी ने शमशान में जाते हुए देख लिया, गांव में सभी को बता दिया और तब से आप तांत्रिक है सोचकर सब डर रहे हैं। ऐसे कहती है उस बात पर कलावती भी। पागल लोग मैं और तांत्रिक बाबा। चलिए गांव में चलकर सभी से वो सब ऐसे ही नींद में चलने की आदत है इसलिए गई थी कहिए। अरे क्यों भला, डर रहे हैं तो डरे। ऐसे नहीं सासू माँ, अगर किसी को कुछ हो गया तो वो सब आप ही ने किया सोचकर आपको मार डालेंगे। क्यों चाहिए सासू माँ ये सब, ऐसे ही मंत्र वंत्र कुछ नहीं ऐसे कह दीजिए। हाँ, तेरी बात भी सही है, अगर किसी ने पत्थर मार दिया तो मेरा सर फट जाएगा, चलो। ऐसे बोलकर वहाँ से गांव में जाकर सभी को सच बताते हैं। ऐसे अपनी सास के बारे में गलत अफवाहों को काव्या दूर करके सबसे शाबाशी लेती है। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से आपके सामने आऊंगी और तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। वाओ! अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।